प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल के सिमनौर में पहुंचे। उन्होंने नाहन में रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। कांग्रेस ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव में कई गारंटी दी। पहली कैबिनेट में 1,00,000 नौकरी बोली। पहली कैबिनेट में कुछ हुआ नहीं तो बल्कि कैबिनेट ही टूट गई। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबका आरक्षण छीन अपनी वोट बैंक जो वोट जिहाद की बात करते हैं उन मुसलमानों को दे देना चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ओबीसी के अधिकार छीनकर मुसलमानों को दे दिए गए। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला। कहा पहली कैबिनेट में ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और मेरे हिमाचल के लोग तो बड़े भले बड़े प्यारे लोग हैं, उनको लगा हो सकता है ये ईमानदारी से बोलते होंगे। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में यहां मैं माताओं बहनों को देख रहा हूं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने कहा था आपको 1500 रुपया देगी, क्या 1500 रुपया मिला? क्या मिला? क्या किसी के घर में आया क्या? और इंडी गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है। ये लोग, तीन चीजें आपको कॉमन मिलेगी इनमें। ये पत्रकार मित्र जरूर इस पर रिसर्च कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। आपको बड़ा खजाना मैं दे रहा हूं, आपको काम आ जाएगा। ये कांग्रेस वाले उनके साथी, तीन चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये तीन चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी। ये मीडिया वाले दिमाग खपाएंगे तो बहुत खजाना खोल करके ले आएंगे। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था, और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। अदालत ने उसको गंभीरता से लिया। इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी में, पढ़ाई में, हर जगह मनाई मिल रही थी। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। ऐसा करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की पीठ पे छुरा भोंका। अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगा कोई है तो इनका वोट बैंक है।